नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, शिक्षा एवं सैवद्ध विज्ञान संकाय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे DLED पाठ्यक्रम 506 के प्रकरण व्यक्तित्व के प्रकार एवं शील गुण सिद्धांत पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति पांडे रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। मैडम, मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम। अगले कुछ मिनटों में हम डॉक्टर ज्योति पांडे से सीखेंगे कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन से शील गुण होते हैं। मैडम, कृपया हमारे छात्रों को आप बताएं कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। जी रश्मि जी, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांतों के अंतर्गत माने जाते हैं, जिसमें व्यक्तियों को उनके शील गुणों के आधार पर वर्गीकृत करके विभिन्न विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ प्रकार शब्द से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिनके गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हों। जैसे यदि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो उसके समूह वर्ग में वही व्यक्ति शामिल होंगे जो उसी के समान सामाजिक गुणों से युक्त हैं। इस संबंध में प्रकार सिद्धांतों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक वर्गों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे प्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स द्वारा किया गया है, जो शरीर द्रव्यों के आधार पर है। शरीर में चार प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त एवं कफ। जिस व्यक्ति में इनमें से किसी भी पित्त की प्रधानता होती है, उसके व्यक्तित्व में उसी के समान शील गुणों का विकास होने लग जाता है। जैसे यदि व्यक्ति में पीले पित्त की अधिकता है तो इस प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः तनावयुक्त रहते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, बेचैन रहते हैं तथा गुस्सैल भी होते हैं। दूसरा प्रकार है काला पित्त। जिन व्यक्तियों में काले पित्त की अधिकता पाई जाती है, वे सदैव उदास रहते हैं, जीवन के प्रति निराशा भाव रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वही निराशा भाव प्रसारित करते रहते हैं। रक्त पित्त की प्रधानता वाले व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं तथा आशावादी दृष्टिकोण से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी खुश रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण में भी खुश मिजाजी का व्यवहार रखते हैं। अगला प्रकार है कफ। जिन व्यक्तियों में कफ की अधिकता पाई जाती है, वे व्यक्ति सामान्यतः शांत रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं तथा इनमें भावनाएं शून्य रूप से ही पाई जाती हैं। द्वितीय वर्गीकरण है शारीरिक संरचना के आधार पर, जिसमें दो प्रकार के वर्गीकरण हमारे समक्ष मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, जिसमें क्रेशमर द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया तथा एक शेल्डन द्वारा वर्गीकरण दिया गया। क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व को चार प्रकारों में बांटा गया, स्थूलकाय प्रकार, कृशकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार तथा विशालकाय प्रकार। स्थूलकाय प्रकार वाले व्यक्तियों का कद छोटा होता है, इनका शरीर भारी होता है, इनका शरीर गोलाकार होता है, इनकी गर्दन छोटी होती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये खुश मिजाज रहते हैं और खाने पीने संबंधी बातों में रुचि रखते हैं। कृशकाय प्रकार के व्यक्ति थोड़े से दुबले पतले होते हैं, शरीर की संरचना और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, तनावपूर्ण रहते हैं, सामाजिकता से थोड़ा दूर रहते हैं और किसी के तथ्य एवं बातों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। क्रेशमर के इसी वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरा प्रकार है पुष्टकाय प्रकार। पुष्टकाय प्रकार के व्यक्तियों का शरीर सौष्ठव संतुलित होता है, सुडौल आकार होता है। इसकी वजह से ये समाज में आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित वर्ग के अंतर्गत ही माने जाते हैं। इन तीनों प्रकारों के अंतर्गत जिनमें उपरोक्त तीनों प्रकार के मिले जुले गुण पाए जाते हैं, वो सभी विशालकाय प्रकार के अंतर्गत क्रेशमर द्वारा रखे गए हैं।
इसी वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा वर्गीकरण है शेल्डन के द्वारा, जो 1940 में प्रस्तुत किया गया। शेल्डन ने व्यक्तियों के तीन प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। एंडोमार्फी विशेषताओं वाले लोग मोटे, नाटे तथा खुश मिजाज रहते हैं। यह खाने पीने में और बातचीत करने में, सामाजिक होने में बहुत अधिक रुचि दिखाते हैं। जबकि मेसोमार्फिक व्यक्तित्व वाले लोग खिलाड़ियों के समान होते हैं। इनका शरीर सुगठित होता है तथा इनमें जोखिम लेने की क्षमता भी बहुत अधिक रहती है। तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं एक्टोमार्फी। एक्टोमार्फी व्यक्ति लंबे और दुबले होते हैं। ये सामान्य तौर पे संकोची भी होते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तथा साधारणता एकांतवास करना अधिक पसंद करते हैं। इसी क्रम में एक और वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है स्प्रेंगर के द्वारा। स्प्रेंगर के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सामाजिक गुणों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बताए। प्रथम है सैद्धांतिक, वह व्यक्ति जो नियमों और कानूनों का पालन करें, आदर्शवादी हों, वे सभी सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं धार्मिक, यानी जो धर्म कर्म में रुचि लेते हैं तथा समाज में इस प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने में अपना योगदान देते हैं, जैसे पुजारी, महात्मा आदि। तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं आर्थिक। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो होते हैं जो प्रत्येक कार्य का निर्णय कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर ध्यान और विचार करने के बाद ही लेते हैं। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो इसी प्रकार के व्यक्तित्व वाले होते हैं। चौथा प्रकार है राजनीतिक रूप में व्यक्तित्व वाले, जिनकी शासन, सत्ता इत्यादि में रुचि होती है, जैसे नेतागण, वे सभी राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, समाज के कल्याण का कार्य करते हैं, समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं, उन सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अंतिम जो प्रकार बताया स्प्रेंगर के द्वारा वो है कलात्मक, यानी कि जिन व्यक्तियों की कला के क्षेत्र में रुचि होती है, जो कला के किसी भी रूप से जुड़े हुए होते हैं, वे सभी जो है वो कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इसी के अंतर्गत एक वर्गीकरण और दिया गया, जो कि मनोवैज्ञानिक संदर्भों में दिया गया। इसके प्रतिपादक कार्ल यूंग रहे, जिन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा, बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, सक्रिय होते हैं, समाज में लोकप्रिय होते हैं, सभी की मदद करने को तैयार रहते हैं तथा जीवन जीने में रुचि लेते हैं। जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बिल्कुल बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के विपरीत होते हैं। ये थोड़ा सा एकांतवासी होते हैं, समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करते तथा आत्म केंद्रित होते हैं। चूँकि इस तथ्य की कुछ आलोचना हुई तो कार्ल यूंग के द्वारा एक तृतीय वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया कि कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें कुछ गुण तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले पाए जाएंगे और कुछ अंतर्मुखी वाले। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उनको कार्ल यूंग के द्वारा उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का नाम दिया गया। इन सब के अलावा एक वर्गीकरण केटल के अनुसार भी किया गया, जो शील गुणों पर आधारित है। तो इस प्रकार इस श्रेणी के अंतर्गत, प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत, चाहे शरीर गुण के आधार पर हम बात कहें, चाहे हम शारीरिक रचना के आधार पर बात कहें, चाहे हम सामाजिक अर्थों में बात कहें, चाहे हम मनोवैज्ञानिक स्वरूप में बात करें, ये सभी प्रकार के दिए गए सिद्धांत और इनका जो वर्गीकरण है, जैसी हमारी आवश्यकता है हम उसके अनुरूप इसका उपयोग कर सकते हैं तथा छात्रों का व्यक्तित्व सही रूप में विकसित कर सकते हैं। तो ज्योति जी, आपने अभी हमें बहुत सारे प्रकार बताए व्यक्तित्व के, बहुत आधारों पर अलग अलग प्रकार बताए व्यक्तित्व के। अब हमारे छात्र, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से हैं और उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो व्यक्तित्व के शील गुण से संबंधित हैं।
जी जी रश्मि जी, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत एक अलग आयाम रखते हैं, जबकि जो व्यक्तित्व के शील गुणों पर आधारित सिद्धांत हैं वो इनसे बिल्कुल भिन्न हैं, जिसके प्रमुख प्रतिपादक GW ऑलपोर्ट तथा RB कैटल आदि मनोवैज्ञानिक रहे, जिन्होंने बताया कि शील गुण एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण व्यक्ति स्थायी रूप से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी मौलिक गुण सम्मिलित होते हैं, ये व्यक्तित्व की संरचना का निर्माण करने में सहायक होते हैं, मापन योग्य होते हैं तथा विशिष्ट एवं चिरस्थायी रूप में हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान रहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शील गुणों पर शोध कार्य किया गया और इसी संदर्भ में कैटल के द्वारा कारक विश्लेषण का सिद्धांत शील गुणों के संबंध में दिया गया, जिसमें उन्होंने शील गुणों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया, सतही शील गुण एवं स्रोत्र अथवा मूल शील गुण। सतही शील गुणों से तात्पर्य व्यक्तित्व की ऊपरी सतह पर विद्यमान उन गुणों से है जिन्हें हम व्यक्ति के दैनिक अंतरक्रिया में प्रदर्शित होते हुए देखते हैं। ये व्यवहार में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं तथा इनका किसी भी प्रकार से कभी भी मापन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परोपकारी होना, ईमानदार होना, सत्यनिष्ठ होना आदि। यदि व्यक्ति अपने दैनिक अंतरक्रिया के दौरान समाज में कभी भी कहीं इस प्रकार के गुणों का लगातार और स्थायी रूप से प्रदर्शन करता है तो ये माना जाता है कि इस प्रकार के गुण सतही शील गुण के रूप में उसके व्यक्तित्व में मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्रोत्र एवं मूल शील गुण होते हैं ये सतही शील गुणों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्य तौर पर ये आंतरिक रूप में हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान रहते हैं तथा इनका बार बार निरीक्षण किया जाना संभव नहीं है। इनकी संख्या बहुत कम होती है तथा यदि हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुणों को पहचानना हो तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना ज़रूरी होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निस्वार्थ भाव से काम करना। यदि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर परिस्थिति में ही निस्वार्थ भाव को दर्शाए। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में वो निस्वार्थ भाव दर्शाता है और कई बार दर्शाता है लेकिन उस चीज़ का प्रकटीकरण नहीं करता। तो ऐसे में हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी कि क्या व्यक्ति में वास्तव में वह गुण है या नहीं। जब हम शील गुणों की बात करते हैं तो कैटल के द्वारा बहुत सारे ऐसे शील गुणों को शोध कार्य के दौरान बताया गया कि जिनका विकास हम छात्रों में कर सकते हैं। हम जब कक्षा में देखते हैं तो सभी छात्र एक समान तो नहीं होते। कुछ छात्र उत्साही होते हैं जबकि कुछ छात्र एकाकी और अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में यदि हम एक जैसी शिक्षण विधि से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो चाहकर भी हम मनवांछित रिजल्ट या परिणाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गुण हैं जो छात्रों में विकसित किए जा सकते हैं। यदि बालक स्थिर है तो हम उसकी अपेक्षा बालकों में संवेगात्मक विकास भी करने में उसको मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक होना, सांसारिक होना, सामाजिक होना, संकोची होना, संवेदनशील होना अथवा निष्ठुर होना, शंकालु होना अथवा विश्वस्त होना, कल्पनावादी होना अथवा यथार्थवादी होना, तनावयुक्त होना या तनाव रहित होना, ये सब वो शील गुण हैं जो छात्रों के व्यक्तित्व में विद्यमान रहते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा गुण छात्रों के व्यक्तित्व में होगा ये उनके पालन पोषण और उनके जीवन काल की विभिन्न व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। बालक जिस प्रकार का जीवन जीता है उसके व्यक्तित्व में उसी से संबंधित शील गुणों का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है और यही शील गुण बाद में चिरस्थायी होकर सदैव उसके व्यक्तित्व में हमेशा दिखाई देते हैं। कई बार व्यक्ति जो है किसी परिस्थितिवश उत्साही भी हो सकता है लेकिन कई बार जो है कोई दूसरी परिस्थिति या किसी प्रकार के कार्य में विफलता उसको एकाकी भी बना सकती है। तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के
शील गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करना चाहते हैं, हमारे शिक्षकों पर निर्भर करता है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, हमारे वातावरण पर निर्भर करता है, और उसी के अनुरूप जो है हम विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास छात्रों में कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताना बहुत ही ज़रूरी है कि हमेशा प्रयास ये किया जाए कि छात्रों में अधिक से अधिक सकारात्मक गुणों का विकास किया जाए। यदि छात्र बहुत अधिक कल्पनावादी हो जाएगा तो सदैव डे ड्रीमिंग करता रहेगा और कभी भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, व्यवहार में उन चीज़ों को ना तो समझ पाएगा और सदैव ही अधिक से अधिक प्रयास करने पर भी उसको वांछित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शील गुण हैं जिनका हम छात्रों के व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व का विकास करने में प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कैटल के द्वारा दिए गए इन शील गुणों को का मापन पूर्ण रूप से संभव नहीं है, तो इस वजह से शील गुणों पर कभी भी समान सहमति नहीं बनी। व्यक्ति की चिंतन क्षमता और यदि उसकी अभिप्रेरणा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता तो कई बार बालकों में बहुत सारे गुण होते हैं फिर भी उन गुणों का सही उपयोग नहीं हो पाता। फिर भी यह शील गुण सिद्धांत एवं प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास हेतु, चाहे छात्रों के व्यक्तित्व का हमें विकास करना हो, शिक्षकों के व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ना हो या अपने समाज में कुछ नई चीज़ें संस्थापित करनी हो, उन सब में ये सभी शील गुण एवं प्रकार गुण संबंधी सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माने जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। आज हमने आपसे जाना कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है और उसके कौन कौन से शील गुण होते हैं, और साथ ही ये भी जाना कि हम शिक्षकों को बच्चों में इन शील गुणों का विकास किस प्रकार उचित विधि से करना चाहिए। हमारे स्टूडियो में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार पुनः किसी नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।